वेलकम दोस्तों, आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ देसी जुगाड़ टेक में। दोस्तों मेरा नाम है उसोग, आप लोग देख रहे हैं देसी जुगाड़ टेक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ई ऑक्शन के बारे में। ई ऑक्शन का नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे, और बचपन में या अभी भी जो पहले जो होता था जिसको बोलते थे नीलाम, यानी कि बोली लगाने का, उसके बारे में भी सब लोग जानते होंगे कि क्या होता था। कि कोई सामान अगर आपको बेचना है, कोई लोग बेचते थे तो उसमें क्या होता है, जो लोग लेने का जिनका पास औकात है वो सबको बुलाते थे, एक जगह बिठाते थे और उसमें बोली लगाते थे कौन कितना दे पाएगा, और जो सबसे ज़्यादा देगा उसको वो सामान मिल जाता था। तो अभी क्या हो गया कि अभी सब कुछ ई ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन आप लोग सामान खरीद रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसपेरेंस हो रहा है, और आईटी में हम लोग अभी बहुत एडवांस हैं। तो इसके लिए अभी ऑक्शन जो है, ई ऑक्शन का मतलब होता है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन मतलब नीलाम जो होता था वही हो रहा है, बोली लगाना ही हो रहा है, बट ये ऑनलाइन में हो रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्शन है, ये ऑक्शन है दो तरीके का होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक है फॉरवर्ड ऑक्शन, एक होता है रिवर्स ऑक्शन, ठीक है। तो आज हम मैं बताने वाला हूँ आपको फॉरवर्ड ऑक्शन के बारे में, रिवर्स ऑक्शन के बारे में। दूसरा वीडियो में कभी बताऊंगा, कल या परसों। तो फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है कि कोई सामान अगर आपको बेचना है, सपोज आपके पास बहुत कुछ मटेरियल है, या सपोज समझ लिया, आज हम एक केस स्टडी बहुत बताता हूँ। सपोज SBI एक होम लोन दिया एक पर्सन को, 15 लाख दिया था 10 साल पहले। वो आदमी अभी वो होम लोन का जो EMI है नहीं चुकाता है, तो SBI सोच रहा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका कीमत आज के दिन में लगभग 40 लाख है। तो SBI सोचते हैं कि 40 लाख में बेच देंगे, हमारा जो लोन का अमाउंट है वो हम रिकवरी कर लेंगे, बाकी रेस्ट अमाउंट जो है उसको दे देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट का साथ SBI का जो लोन का जो अमाउंट पेंडिंग है वो सब SBI ले लेगा, बाकी जो है वो दे देगा। तो क्या होता है, SBI क्या करेगा, पहले एक टेंडर, एक एडवर्टाइज निकालेगा, जो एरिया में घर है वो एरिया का जो न्यूज़पेपर है, जो वहाँ का सोशल मीडिया है, जो टीवी चैनल है, वहाँ पे एक एडवर्टाइज निकालेगा कि ये घर है, इसका ये ऑक्शन होने वाला है इतना तारीख को। तो उसमें क्या है कि आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप क्या करें, आपको क्या करना होगा, SBI क्या करेगा उसके लिए EMD रखेगा। EMD मतलब आपको एडवांस में पैसा डिपॉजिट करना है। सपोज 10% होता है, सपोज आपका 25 समझ लीजिए कि आपका 40 लाख का प्रॉपर्टी है, तो आपको लगभग 50,000 या 1 लाख रुपये EMD जमा देना है बैंक में। जैसा EMD बैंक में जमा देंगे तो आपको एक ID पासवर्ड दे देंगे वो लोग SBI की तरफ से। SBI एक्चुअली खुद नहीं करता होगा, ऑक्शन करता है, अभी जो बहुत सारा थर्ड पार्टी कंपनी है जो लोग ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो लोग फीस लेते हैं और ऑक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको ID पासवर्ड दे देंगे। फिर ID पासवर्ड देने के बाद आप जिस टाइम ऑक्शन होगा उसका कुछ टाइम पहले आपको वेबसाइट में जाके, उनका जो वेबसाइट होगा जहाँ पर ऑक्शन होने वाला है वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करके रहना है, ठीक है। ID पासवर्ड देकर आप लॉगिन करके रहेंगे। लॉगिन करके रहने के बाद आपको वहाँ पे एक स्टार्ट बिड प्राइस होता है, SBD। SBD क्या होता है कि SBD फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है कि कम भी रख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सपोज उन लोग ऑक्शन प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको बोल दिए थे कि 40 लाख है, उन लोग ऑक्शन स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग कर दिए 10 लाख से, ठीक है। 10 लाख होने के बाद उसमें वो लोग एक गैपिंग रखते हैं कि मिनिमम इतना बड़ा गैप आपको ऑफर देना है, ठीक है। सपोज 10 लाख में ऑक्शन चल रहा है, आप इंटरेस्टेड है, चलो मैं 10 लाख 10,000 दिया था, ठीक है। कोई बोलता नहीं मैं 10 लाख 20 दूंगा, हाँ। और अगर आप 10,500 देना चाहते हो तो नहीं पा रहोगे, क्योंकि वहाँ पे एक वो लोग गैपिंग करके रखते हैं कि मिनिमम इतना आपको एक्सटेंड करना है। तो वो कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू बेसिस में चलता है। जैसे उसका सपोज लिमिट रहता है 2 घंटा, 2 घंटा खत्म होने का 1 मिनट पहले अगर सपोज कोई ऑफर दे दिया तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऑटो एक्सटेंड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो आदमी लास्ट में ऑफर दिया उसके बाद कोई और भी उससे ज़्यादा देना चाहता था और नहीं दे पाया, सो दे कैन गो टू RTI ना, वो RTI कर सकता है। उसके लिए क्या होता है, ऑटो 15 सेकंड या 20 सेकंड का ऑटो टाइमर लगा रहता है, तो वो टाइम एक्सटेंड होता है। तो क्या है, आप जो देना चाहते हैं तो आपको भी मौका मिलेगा। तो उसमें लास्ट में जाके क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे खत्म होता है, खत्म होने के बाद H1 सिलेक्टेड रहता है। H1 मतलब हाइस्ट वन, मतलब सबसे ज़्यादा जो बोली लगाए हैं, जैसे उस टाइम बैठ के लगाते थे अभी ऑनलाइन लगाएंगे, ठीक है। तो उनको फिर SBI बुलाएगा और उनको एक मटेरियल के लिए DO लगता है, डिलीवरी ऑर्डर, बट यहाँ पे DO नहीं, वो लोग उनसे बात करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे और उनको जो पेमेंट है वो उनको, जो सपोज उन्होंने 40 लाख का प्रॉपर्टी सपोज उनको 39 लाख में मिल गया, तो उन्होंने सपोज EMD जमा किए थे 50,000, तो EMD उनका माइनस हो जाएगा, जो बाकी रेस्ट 38.5 लाख वो पे करेंगे, तो उनको प्रॉपर्टी उनका नाम पे लिस्ट कर देंगे SBI। तो और वो जो अमाउंट है वो लेने के बाद, उनका जो लोन का इंटरेस्ट वगैरह लेने के बाद, बाकी जो है जो आदमी का प्रॉपर्टी था उनको बुला के वो लोग दे देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि जो ऑक्शन कर रहा है कंपनी वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो वो किसी को नहीं जानते हैं, वो जस्ट फीस लेते हैं और उसका चलते वो ऑक्शन करवाते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% रहता है।
ये चीज आप लोग को सबको पता होगा, कुल घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो अभी पता है आप लोग को, लास्ट 2-3 साल से स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो है ऑनलाइन हो रहा है, ई ऑक्शन से हो रहा है, ठीक है। आप लोग को ये भी पता होना जरूरी है, अभी जो BCCI का जो मैच का जितना मैच ब्रॉडकास्टिंग होता है इंडिया में जितना मैच होगा जिसका ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में होगा BCCI का, तो उसका जो कौन चैनल करेगा वो भी इस साल ऑक्शन से हुआ है। कितना अच्छा चीज़ सोचिए, पहले क्या होता था, कोई किसी का जान पहचान वाला कोई पॉलिटिकल या लीडर का कोई चैनल है, उसका कोई रिलेटिव का है तो उसको मिल जाता था, वो उसको ब्रॉडकास्ट करता था, बहुत सारा पैसा कमाता था। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी हुआ है, सब लोग सब चैनल को मौका मिला, जिसका पास नेटवर्क है जिसका पास चैनल है वो मौका मिला उसको, वो अभी हार गया वो तो कोई किसी को नहीं बोल सकता है, सबको मौका मिला। सेम चीज़ अभी कोल ब्लॉक जितना भी है सबका ऑक्शन हुआ, सब में जो सबसे ज़्यादा प्राइस दिया उसको ऑक्शन मतलब कोल ब्लॉक्स मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए देसी जुगाड़ टेक को, ऐसा वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। हर रोज़ हालांकि मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।